प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और इस महंगाई की मूल जड़ पेट्रोल और डीजल के मूल्य में होने वाली वृद्धि है, जिसके कारण करीबन सभी चीजों के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, चाहे वे खाद्य सामग्री हो या कुछ और। शहरवासियों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों पर जल्द नियंत्रण किया जाना चाहिए, अन्यथा आम जनता का जीना दूभर हो जाएगा। मूल्यों में लगातार होने वाली वृद्धि से गरीब इसे झेल नहीं पाएगा। शहरवासियों ने कहा कि पहले ही वे मंदी की मार झेल रहे हैं, ऊपर से महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार कोई भी कदम महंगाई को नियंत्रण करने के लिए नहीं उठा रही है। रोष प्रकट करते हुए शहरवासियों ने कहा कि पेट्रोल के दामों के लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी भारी शुल्क वसूल रही है। यही वजह है कि पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपना शुल्क कम कर दे तो बढ़ी हुई कीमतों पर नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन वे ये कदम नहीं उठा रहे हैं, जिसके वजह से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ी हुई कीमतों का असर सबसे ज्यादा आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। अगर आम आदमी की जेब में पैसा नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था किसी भी सूरत में सुधर नहीं पाएगी, इसलिए महंगाई पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। एक मेजर इशू है आज की डेट में। आप ये लगाइए कि जो गवर्नमेंट जो है इस समय, जो गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी है वो लगभग 33 रुपए के करीब पेट्रोल के ऊपर है और 32 रुपए के ऊपर डीजल के ऊपर है। और उसके अलावा अगर आप हिमाचल प्रदेश स्टेट को देखेंगे तो यहाँ पर 27% वैट है, जो 27% वैट लगभग 23 रुपये हो जाता है। तो अगर आप इसकी एग्जैक्ट पेट्रोल का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप पेट्रोल की कॉस्ट निकालेंगे तो पेट्रोल लगभग 30 रुपये पड़ता है और आज की डेट में 86 साढ़े 86 रुपये बिक रहा है। तो सरकार 56 रुपये, हिमाचल सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग 56 रुपये जो है हमारे से ले रही है। ये आम आदमी के ऊपर एक बड़ा बोझ है। सरकार को मैं मानता हूँ कि सरकार ने बहुत कष्ट के समय में निकाला है, देश में बहुत इस वक्त क्राइसिस का टाइम था, जो हम ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। अब जो है लॉकडाउन जो है अनलॉक की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और ऑलमोस्ट सारा कंट्री अनलॉक हो चुका है। इस समय सरकार को आम आदमी को हर हालत में राहत देने की कोशिश करनी चाहिए। जो ये 50-55 रुपये जो सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलकर कमा रही है, और इसमें एक मैं बात आपको और ध्यान देना चाहूँगा, पैनाडेमिक के अंदर सरकार ने 2020 मई में 13 रुपये और 10 रुपये क्रमशः एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाई थी, जो इन्होंने विड्रॉ नहीं करी है। ये बड़ा दुखद बात है। आज आज हमारे देश में त्राहीमाम है। और इस मुद्दे के ऊपर आप ये देखिए, इसका डायरेक्ट जो है छोटे कंज्यूमर पे इफेक्ट पड़ता है, जो पेट्रोल और डीजल के जो लोग वो हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, जो सारा एंटायरली काम इसके ऊपर करते हैं, पेट्रोल डीजल जिन्होंने हर वक्त गाड़ी चलानी है। और उससे क्या होगा, कॉस्ट कटिंग होगी, हर आदमी की जेब कटेगी। जेब कटेगी तो मार्केट में एक तरह तो सरकार कह रही है कि हम रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेंगे, रेवेन्यू कहाँ से आएगा जब सब लोगों की जेब ही आप काट देंगे, तो रेवेन्यू कहीं से भी जनरेट नहीं हो सकता। मेन दिक्कत तो हमारी ये है कि हमारा डेली का मिनिमम 25-30 किलोमीटर का सफ़र है, हमारा 2 दिन में कम से कम 100 रुपये का तेल लग रहा है, उसका महीने का हमारा 1500 रुपये तेल लग रहा है, हमारी तनख्वाहें कम है, पीछे फैमिली भी है, बच्चे भी है, मदर भी विडो है, उससे हमारा खर्चा नहीं पूरा होता है। हम तो सरकार से ही गुजारिश करते हैं कि पेट्रोल के दाम कम हो। देखिए, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ोतरी से जो फ़र्क पड़ता है वो आम जीवन पर पड़ता है। जिस तरह से अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, सब्जियों के रेट बढ़ेंगे, आपके ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, इससे सीधा असर एक आम जन पे पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि इनके दाम थोड़े कंट्रोल में लाए जाएं, ताकि जो अर्थव्यवस्था, तो देखिए मुझे ये पता है कि इनका बढ़ना जरूरी है, लेकिन इतना ना बढ़े कि आम जन इसको पूरा करने में मुश्किल हो जाए उसे, और उसकी जो एक बजट होता है उसका सीमित बजट होता है वह चरमरा जाता है और उसे बहुत सोच समझ के हर पैसा खर्च करना पड़ता है। तो आपको इससे क्या समस्या आ रही है, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, समस्या ये होती है कि जिस तरह से अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, माल जो हमारा आता है वो महंगा हो जाता है, तो इस तरह से जब वो महंगा होगा तो वो आगे कस्टमर को महंगा पड़ेगा, तो सीधा असर इसका हमारे ऊपर भी और आगे कस्टमर के ऊपर भी पड़ता है, तो इनमें इससे दामों में वृद्धि हो जाती है।
तो रोजाना जैसे आप व्हीकल चलाते हैं तो आपको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? देखिए रोजाना अगर हम व्हीकल चलाते हैं जैसे हम 100-200 का पेट्रोल भरते थे वो 300 का हो जाएगा, तो इससे हमारा बजट जो सीमित बजट था वो चरमरा जाएगा। आपने अगर शिमला जाना हो तो 100 रुपये लगता है, तो अगर हमने आना जाना करना हो तो 500-1000 रुपये हमारी जेब से निकल जाते हैं, तो इससे असर आम जन पे पड़ता है।